कल कहां पे पढ़ा था अपन लास्ट क्लास? इसके बारे में क्या सभी का उनके बारे में उसके आगे पढ़ा दिया होगा अच्छा ग्लाइकोलाइसिस के बारे हुए है ना और रोमो के बारे में पढ़ लिया था सतही असंजित भाग पढ़ लिए थे पढ़ने जीवाणु के अब है जीवाणु की कोशिका भित्ति टॉपिक है जीवाणु में थर्ड नंबर कोशिका भित्ति जिसे म्यूरिन भी कहते हैं क्या कहते हैं म्यूरिन जिसे म्यूरिन भी कहते हैं हेडिंग लगा लो आप तो कोशिका भित्ति फिर हाँ पेप्टिडोग्लाइकन जिसे म्यूरिन भी कहते हैं इसमें लिखो हेडिंग लगाई कोशिका भित्ति इसमें लिखो कोशिका भित्ति विभिन्न परतों से बनी होती है कोशिका भित्ति विभिन्न परतों से बनी होती है कोशिका भित्ति विभिन्न परतों से बनी होती है ग्राम ग्राही जीवाणु ग्राम ग्राही जीवाणुओं की कोशिका भित्ति 20 से 25 nm ग्राम ग्राही जीवाणुओं की कोशिका भित्ति 20 से 25 nm की तथा ग्राम अग्राही जीवाणु की कोशिका भित्ति ग्राम अग्राही जीवाणु की कोशिका भित्ति 10 से 15 नैनोमीटर मोटी होती है 10 से 15 नैनोमीटर मोटी होती है जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है जो पेप्टिडोग्लाइकन और पेप्टिडोग्लाइकन के बाद में कॉन्स्टेंट लिखते हैं ना म्यूरिन जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है किसकी बनी थी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की पादों में किसकी बनी थी कोशिका भित्ति सेलुलोज की किसकी सेलुलोज की और इनमें जो कोशिका भित्ति होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की होती है मोटी मोटाई इसकी ज्यादा मोटी होती है मतलब ग्राम ग्राही का मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या पॉजिटिव बैक्टीरिया डायरेक्ट को बोल सकते हैं और जो अग्राही होता है उसे नेगेटिव बैक्टीरिया अग्राही का मतलब नेगेटिव ग्राही का मतलब पॉजिटिव जो ग्रहण करता है चीजों को वो क्या रहेगा पॉजिटिव अग्राही जो कभी ग्रहण नहीं करेगा बात हो तो उससे पता चलता है कि नेगेटिव तो ये बैक्टीरिया कैसे मैं अगर कैसे नेगेटिव बैक्टीरिया और ये है पॉजिटिव बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया कैसा है पॉजिटिव बैक्टीरिया पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है नेगेटिव बैक्टीरिया से मोटी होती है पर इसकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की या ग्राम ग्राही जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मोटी होती है अग्राही जीवाणु से तब इसका एक डायग्राम है वो डायग्राम बना लो आप
ये है पेप्टिडोग्लाइकन जो कोशिका वृद्धि में मिलती है, पेप्टिडोग्लाइकन यह है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये वाली साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या कोशिका ग्लैंड जिसे कहते हैं, या द्विध्रुवीय ग्लैंड, और ये है साइटोप्लाज्मिक कोशिका ग्लैंड। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन नीचे है साइटोप्लाज्म, कोशिका
कोशिका भित्ति ग्राम ग्राही और अग्राही जीवाणु की कोशिका भित्ति बढ़ाई ग्राम है और इसमें पेप्टिडोग्लाइकन साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। ताड़ियम देखने में इजी लेकिन बनाने में हार्ड है। उसके बाद हेडिंग लगानी है ग्राम ग्राही एवं अग्राही ग्राम ग्राही एवं अग्राही जीवाणु ग्राम ग्राही एवं ग्राम अग्राही जीवाणु समझा देता हूँ। वह एक डेनिश वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन नाम के, जो उन्होंने 1984 में 1884 में क्या किया कि अभिरंजन की तकनीक का विकसित किया। मिथाइल ब्लू के साथ जीवाणु को क्या करवाया था, अभिरंजन करवाया था। अभिरंजन के बाद यानी ग्राम, उसने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे, जिन्हें ग्राम ग्राही अग्राही जीवाणु कहते हैं। दोनों को क्या किया, अभिरंजित किया। अभिरंजित करने के बाद इन्हें अल्कोहल से धोया और देखा कि जो जीवाणु क्या अभिरंजित हो गए, जिनमें कलर आ गया, जिन जीवाणु में कलर आ गया वो कैसे थे, ग्राम ग्राही जीवाणु, और जिनमें कलर नहीं आया उन जीवाणुओं को उसने क्या बताया, ग्राम अग्राही जीवाणु या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था।
और जिनमें कलर आ गया हमने ग्राम पॉजिटिव व्यक्ति किया था। इसमें लिखो एक डेली चिकित्सा, एक डेनिश चिकित्सक क्रिश्चियन ग्राम, क्रिश्चियन एक डेनिश चिकित्सक क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में अभिरंजन विधि के द्वारा जीवाणुओं को दो समूहों में बांटा, जीवाणुओं को दो समूहों में बांटा, जीवाणुओं को दो समूहों में बांटा। इसलिए हम एक नंबर पॉइंट ले लो, जो जीवाणु ग्राम के अभिरंजन से अभिरंजित करने पर वह अल्कोहल से धोने पर अभिरंजित बने रहते हैं। अभिरंजित बने रहते उन्हें ग्राम ग्राही जीवाणु कहा तथा दो नंबर लिखो, जो जीवाणु इस प्रक्रिया के बाद भी अभिरंजित नहीं होते हैं, उन्हें ग्राम अग्राही जीवाणु कहा, कहने मतलब ग्राम ग्राही जीवाणु कैसे होंगे, ये तो अभिरंजित होंगे, क्या होंगे अभिरंजित, और ये अभिरंजित नहीं होते, किसके साथ ग्राम अभिरंजन की विधि है जो इसने विकसित की थी क्रिश्चियन ग्राम ने तब 1884 में। अब हेडिंग लगाओ ग्राम ग्राही जीवाणु की कोशिका भित्ति, हेडिंग लगाओ ग्राम ग्राही जीवाणु की कोशिका भित्ति, ग्राम ग्राही जीवाणु की कोशिका भित्ति लगा लिए। इसमें लिखो ग्राम ग्राही जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा बहुत अधिक होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा बहुत अधिक होती है, कोशिका भित्ति का 50% भाग, कोशिका भित्ति का
50% भाग इसी का बना होता है, कोशिका भित्ति का 50% भाग इसी का बना होता है। कुछ जीवाणुओं में टीकोइक अंग भी पाया जाता है, कुछ जीवाणुओं में टीकोइक अंग भी पाया जाता है। टीकोइक अंग भी पाया जाता है जो धनावेश युक्त पदार्थों की आवागमन तथा फॉस्फोरस भंडार में मदद करता है, तथा फॉस्फोरस भंडार में मदद करता है। अब एडी लो ग्राम अग्रही जीवाणुओं की कोशिका बनती है, ग्राम अग्रही जीवाणुओं की कोशिका बनती है, ग्राम अग्रही जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। इसमें देखो इन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जटिल होती है, इनमें जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जटिल होती है, इसमें कम मात्रा में 5-10% पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसकी पतली परत को घेरे हुए एक अन्य परत बाह्य कला होती है, एक अन्य परत बाह्य कला होती है। यह बाह्य कला वर्णात्मक रोधकता का कार्य करती है, यह बाह्य कला वर्णात्मक रोधकता का कार्य करती है और पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है बाह्य परत फॉस्फोलिपिड कोमा प्रोटीन वह वसीकृत बहुशर्कराओं से निर्मित होती है, बहुशर्कराओं से निर्मित होती है।
तथा इस बाह्य कला के बाहर केवल लिपोपोलीसेकेराइड शर्करा उपस्थित होते हैं। लिपिड के बाह्य ग्लासें अंतःस्थानी होता है। बाह्य ग्लासें अंतःस्थापित होता है। बाह्य ग्लासें अंतःस्थापित होता है। दूसरा है रोड बहुसरग्रह, यह कला की सतह पर स्थिर होते हैं। ये बहुत सकारात्मक होते हैं, बहुत है उतार देते हैं। फर्स्ट है लिपिड ए बाह्य ग्लास से अंतर स्थापित होता है। दूसरा है करोड़ बहुत सकारात्मक, ये अणु कला की सतह पर स्थित होते हैं। और तीसरा और प्रतिजन ये बहुत सकारात्मक अणु होते हैं।